हाँ देखिए, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एक एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, दूसरा बना लेता हूँ मैं रेड पेन से, ठीक है, थोड़ा अलग दिखेगा, ठीक है, चबा ले अच्छे से, पी क्यू आर, ठीक है, इसमें मीडियन है ए बी सी में ए डी, मीडियन तो इसी से बना लेता हूँ, ठीक है, ये मीडियन है, मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, हाँ, इस बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, बी डी इक्वल टू डी सी, ठीक है, ऐसा होगा, और उसमें पी एम है मीडियन, मीडियन पी एम, तो ये भी क्या करेगा, इसको और इसको इक्वली डिवाइड कर देगा, ठीक है, चलो जी अब कर दूँ, ओके, अब वो पूछ क्या रहा है इसमें, साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन, ये प्रोपोर्शनल है आपस में, प्रोपोर्शनल है ये, कैसे प्रोपोर्शनल है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वस टू ए सी अपॉन पी आर इक्वस टू ए डी अपॉन पी एम, मीडियन भी इनका प्रोपोर्शन में है, ठीक है, चलो जी प्रोपोर्शनल है ये, फिर आगे शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, शो करना है हमें कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए, और सिमिलरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, या तो दो एंगल इक्वल हों, या फिर साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में हो, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो, ठीक है, या फिर साइड एंगल साइड हो, तो कोई एक इसमें अप्लाई हो सकता है क्या, तो अभी कोई इसमें अप्लाई नहीं होगा, इसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है, बिना उसके नहीं होगा ये, कंस्ट्रक्शन करनी ही पड़ेगी, इलाज नहीं है कोई भी, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, क्या ये मिटा देता हूँ, इसी जगह पे करता हूँ, देखो ये अलग लिखना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा नीचे, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वस टू ए सी अपॉन पी आर इक्वस टू ए डी अपॉन पी एम, ये मीडियंस का रेशियो, तो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम, इस ए डी के बराबर ही आगे बढ़ा लेते हैं इसको, ठीक है, जितनी ए डी है उतना ही मैं एक लाइन और आगे खिसका लेता हूँ, और इसको नाम दे देता हूँ डी, क्या नाम दोगे, डी ई नाम दे दो इसको, और इसको मिला देता हूँ बी ई, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है जी, ऐसे ही पी एम को भी आगे बढ़ा लेता हूँ, पी एम को आगे बढ़ा लिया मैंने, और किसके बराबर, पी एम इक्वस टू एम टी नाम दे दो इसको, और ये भी मिला दो, पी एम इक्वस टू एम टी, ठीक है, यानी कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, लाइन्स, ठीक, एग्री, ठीक, अब जो मैं बताऊँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, इसी पेन से बता देता हूँ, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, हो जाएंगे, कैसे, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, तो साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं लिख सकता हूं कि ए सी इक्वस टू बी ई, हाँ है ना, सीपीसीटी से, ठीक है, अच्छा ये जो ट्रायंगल है इसमें देखिए, ये भी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो ये भी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और क्यू टी इक्वस टू पी आर बाई सी पी सी टी, कोई डाउट इसमें नहीं है ना, पक्का, ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल ले ओ ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू टी, पी क्यू टी, ये जो दो ट्रायंगल हैं इनमें कंपेयर करते हैं हम, हमें गिवन है रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वस टू हमें गिवन है ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ए सी की जगह मैं लिख सकता हूँ बी ई, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो ए सी की जगह लिख देता हूँ मैं बी ई, ठीक है, पहले नहीं चेंज करता, बाद में चेंज करूंगा, ठीक है, बाद में चेंज करता, बाद में चेंज करता हूँ, पहले तो यही लिख लेता हूँ कि ये मेरे को चाहिए ही गा, ए सी अपॉन पी आर इक्वस टू तीसरा रेशियो में क्या गिवन है ए डी अपॉन पी एम, ठीक है,
तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी की जगह मैं लिख सकता हूं बी ई और पी आर की जगह मैं लिख सकता हूं क्यू टी, लिख सकता हूं इक्वल्स टू, अगर मैं ए डी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और पी एम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, बट ए डी की डबल क्या हो जाएगी ए ई, है ना, तो ए ई अपॉन पी एम की डबल क्या हो जाएगी पी टी, आया ना। तो इन ट्राइंगल्स ए बी ई और पी क्यू टी ट्राइंगल में तीनों साइड्स का रेशियो सेम है, तो ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू टी, साइड्स का रेशियो सेम है तो एस 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 से एस 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो एंगल सेम हो जाएंगे, देखो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो एंगल क्या है ये नाम बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी टी, सेम हो गया एंगल, एक एंगल ही चाहिए था हमें जो सेम हो जाए, ठीक है, उसके बाद तो हम कर देंगे कैसे देखिए अब इसको मिटा देता हूं, ठीक, और हमें गिवन क्या था कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए डी अपॉन पी एम और इन दोनों के बीच में एंगल है, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एम, आया ना, इनके बीच में है ना ये एंगल, तो अब ये क्राइटेरिया हो गया साइड एंगल साइड, और साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर, ठीक है, तो ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी डी ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम सिमिलरली यूं भी कर सकते हैं, ये ना करके हम सिमिलरली यूं भी कर सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, अगर ये एंगल इसके बराबर है तो सिमिलरली हम यूं भी कर सकते हैं कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, तो उस केस में क्या हो जाएगा बी वाला रहने दो, मान लिया हम इसको छोड़ देते हैं तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, और उस केस में ये दोनों साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, तो साइड एंगल साइड लग गए फिर हो जाएंगे सिमिलर, ठीक है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी एंड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, वो हो जाएगा।